आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक कुमार। इस वक्त अभी हम गिद्धा पंचायत में हैं और कोइलवर प्रखंड के अंतर्गत ये गिद्धा पंचायत आता है और यहाँ के नवनिर्वाचित मुखिया हमारे साथ अरविंद कुमार चौधरी जी हैं। लगभग 6 महीने हो गए चुनाव जीते हुए। ये 6 महीने के कार्यकाल में, ये 6 महीने में इनको क्या क्या परेशानी आ रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या इनका कार्य चल रहा है और किस ऑडिट वगैरह हुआ है कि नहीं, ये तमाम समस्याओं से आप लोगों को अवगत कराएंगे। अभी इस वक्त है हमारे साथ यहाँ के गिद्धा पंचायत के मुखिया अरविंद चौधरी जी। कैसे हैं? ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी कि निश्चित तौर से आप तो शायद पहली बार चुनाव जीते हैं। हाँ। इसके पहले भी कभी मुखिया बने हैं क्या? जी नहीं। चुनाव लड़े थे? लड़े थे, हार गए थे। हार गए थे। आपकी बार तो जीत बहुत जबरदस्त तरीके से। जी। वार्ड कितने हैं टोटल आपके? 14। 14 वार्ड में नए चेहरा कितने? नया चेहरा तो आपको बताए थे सर, एक मिनट फिर देखना पड़ेगा ना, लगभग 6-7 करके। हाँ, लगभग 6-7। हाँ। वार्ड का ऑडिट नहीं हुआ है, पुराने वार्ड लोग ऑडिट नहीं, वार्ड का ऑडिट नहीं, इसलिए हम लोग काम बाधित चल रहा है पंचायत। हाँ। में तो आप अभी क्या करा रहे हैं? 6 महीने आपको जीते हुए होगा। अभी हमारे पास सिस्टम से कुछ पैसा आया था तो एक नाली और फेवर ब्लॉक करा रहे हैं। जी। आपने अपने वार्ड के साथ कभी बैठक की है कि नहीं? बराबर करते हैं। आपने कमेटी का गठन किया है? हाँ, कर दिया सब। हाँ। यहाँ सब कुछ हो गया है। हाँ। हाँ। बस वही ऑडिट को लेकर, ऑडिट को लेकर थोड़ा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि हम बात करें मुखिया जी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने लाभुकों को अभी तक आपने? 178। 178 जी, 178 लोगों को पैसा आ गया? आ गया है। काम भी हो रहा है कि सिर्फ? ना, सबका काम हो रहा है, सबका काम हो गया, लगभग लगभग मान के चलिए कुछ का पूरा भी हो चुका है। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे ऐसे भी लाभुक हैं जिनको पैसा मिल गया है, वो घर नहीं बना रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ऐसे भी लोग हैं जो इसके टर्म कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको आवास नहीं मिलना चाहिए, फिर भी वो आवास के लिए पिछले मुखिया जी के द्वारा या और भी बहुत सारे मार्केट में जो दलाल टाइप के लोग घूम रहे हैं, उन लोगों के द्वारा उनका फॉर्म फिलअप कराया गया है और वैसे लोगों को भी, मतलब ये अधिकांश सब पंचायत में से देखने को मिल रहा है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? ऐसी स्थिति मेरे पास नहीं है। आपके यहाँ ऐसा नहीं है? जी नहीं। यानी कि 178 लोगों में तमाम लोग वैसे ही हैं जिनको ज़रूरत है? जिनको ज़रूरत है। हालांकि ये तो जांच का विषय है क्या है नहीं है, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो सही। आपने कोई नाम काटा है कि नहीं? नहीं, कोई नाम नहीं। 178 में 178 आपने जी कर दिया। ऐसे अभी मैंने कि अभी फिलहाल 178 का पैसा छूटा हुआ है। और भी बहुत सारे लोग हैं? हाँ, अभी बाकी है। जी, अभी आना बाकी है। तो आपने उन लिस्टों में से, चूंकि आपको पावर मिला हुआ है सरकार के द्वारा, आपको पावर दिया गया है कि नहीं, आप चाहें तो वैसे लोगों का नाम हटा सकते हैं जो इसकी अर्हता पूरा नहीं करते हैं, तो आपने किसी को उसमें? नहीं, ऐसा मेरे पास कंडीशन ही नहीं था कि हटाया जाए। हाँ, कुछ अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं उनको इंदिरा आवास की जरूरत है, उनका नाम नहीं जोड़ा गया। इंदिरा आवास सहायक से बोला गया है, बोले हैं कि हम सबको आवास दिलवाएं। राशन की क्या स्थिति है? ठीक है यहाँ पर। हाँ, जिन रहा है मिला जुला, एकदम मिला जुला कर नहीं, जिन चलता है एकदम। बहुत सारे वादे किए थे आप चुनावी मैदान में कि यदि हम जीतेंगे तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नली पूरा इसको ठीक ठाक कर देंगे। चूँकि निश्चित तौर से जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे काफ़ी ही बदतर स्थिति है और यहाँ के लोगों ने आपको वोट देके इसीलिए जिताया था कि ये जो स्थिति है इसको सुधार करें आप। तो क्या सोचा है आपने? एकदम सुधार करेंगे सर। हाँ। हमको जब जनता चुन कर लाई है तो कुछ विश्वास के साथ लाई है। काम शुरुआत हुआ है कि नहीं? हो गया है, सिस्टम से हम नाली और फेवर ब्लॉक का काम करवा रहे हैं। क्या क्या आपने प्लानिंग क्या क्या किया है, आपकी योजनाएँ क्या क्या है? पहले तो हमारे गांव का स्थिति नाली का बहुत बदतर है, इसको अच्छा करना है। जी, निकास की अपने व्यवस्था कुछ किया कि नहीं? पानी कहाँ जाएगा ये सोच रहे हैं हम लोग कि या तो बियाडा से बात कर उसके ड्रेन में मिला दिया जाए कि जहाँ बियाडा का टोटल प्लांट का पानी जाता है उसमें चला जाए, नहीं तो हम अपने BDO साहब से मिलेंगे, CO साहब से मिलेंगे, स्थिति से अवगत करवाएंगे कि सर ऐसा स्थिति मेरे पंचायत में है, खासकर मेरे गई गांव में। तो कुछ टोटल कितने गांव आते हैं आपके पंचायत? 3 गांव आते हैं सर, गीधा, सोनघाटा और राजपुतान पचैना। तो आप तमाम गांवों का विजिट कभी किया है? एकदम करते हैं बराबर। क्या क्या परेशानी आपको नजर आई? सबसे बड़ी परेशानी गांव का नलिया गली का है, सबसे बड़ी परेशानी। कहीं नली बना है तो कहीं नहीं बना है, कहीं नली भर गया है, यही समस्या है। क्या लगता है समस्या आपसे समाधान हो पाएगा? हो जाएगा सर। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, उम्मीद करते हैं कि हम जनता
के विश्वास पर खड़े उतरे। मुखिया जी, आप देख रहे थे गीधा पंचायत के मुखिया अरविंद चौधरी जी हैं, और जिस तरह इन्होंने तमाम यहाँ की जो जनता है, ग्रामीण लोग हैं, इस गीधा पंचायत के जो आम आम जनता है, उन तमाम लोगों से इन्होंने जिस वादे के साथ चुनावी मैदान में थे कि यदि आप लोग जिताएंगे तो ये तमाम परेशानियों को ख़त्म करेंगे, जिस परेशानी से आप लगातार बरसों से जूझ रहे हैं, ये पानी का निकास सबसे बड़ा समस्या है, लेकिन समस्याएं बहुत है, चूँकि अभी तो 6 महीना ही हुआ, अभी तो 4.5 साल बाकी है, और दृढ़ निश्चय के साथ मुखिया जी का कहना है कि ये तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। ये जो नली में ये दिख रहा है, ये पानी का निकास का भी कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराएंगे। आवास भी ठीक ठाक है, इनका कहना है कि नहीं, जेन्युइन लोगों को ही आवास का पैसा मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और भी तमाम जो भी परेशानियाँ है शुरुआत किए हैं, अभी तो ऑडिट भी बाकी है, और तमाम वार्ड सदस्यों से भी लगातार बातचीत होती रहती है, और हम लोग एक साथ प्लानिंग करके और काम को प्रयास करते हैं कि उसका निष्पादन किया जाए। अभी मनरेगा के माध्यम से जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ कुछ काम का हमने शुरुआत कर दिया है, लेकिन जैसे ही तमाम लोगों का, तमाम वार्ड है ये, तमाम लोगों का जैसे ही ऑडिट हो जाता है तो विकास दिखेगा, और लगातार प्रयासरत है। हालांकि पहली बार जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने में भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जिस तत्परतापूर्वक और जिस दृढ़ संकल्प के साथ जिस तरह चुनावी मैदान में थे, उसी विश्वास के साथ ये आज जीत के भी, और उसी विश्वास के साथ लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि निश्चित तौर से ये तमाम समस्याओं का निष्पादन करेंगे। तो देखते रहिए गीधा पंचायत के तमाम खबरों को, और विकास कैसे कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ अवरुद्ध हो रहा है, मुखिया जी जो बोले हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे समृद्धि न्यूज़ चैनल पर।